मल्ली विधानसभा सहित प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतर से विजयी होने की पूरी संभावना है। हम लोगों ने सर्वे किया, हमने संगठनात्मक अभियान चलाया, इससे विजय की पूर्ण संभावना। अरे हम तो चाहते बसपा सपा कांग्रेस सब फूट पड़ जाए, तब उनका समापन हो जाए। भाजपा में तो फूट नहीं पड़ी है ना। दो गज की दूरी क्या अब नहीं है जरूरी? ये तो पहले मेरे पत्रकार में तो बताऊं। निरंतर जरूरी, मास्क जरूरी, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री। मंच पे पालन नहीं हो रहा है? हाँ पालन हो रहा है, मंच पे पालन नहीं हुआ, आपने स्वयं देखा। मल्ली विधानसभा सहित प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतर से विजयी होने की पूरी संभावना है। हम लोगों ने सर्वे किया, हमने संगठनात्मक अभियान चलाया, इससे विजय की पूर्ण संभावना। हम तो चाहते बसपा सपा कांग्रेस सब फूट पड़ जाए, सब उनका समापन हो जाए। भाजपा में तो फूट नहीं पड़ी है ना। दो गज की दूरी क्या अब नहीं है जरूरी? ये तो पहले मेरे पत्रकार मित्र बताऊं। लगातार दो गज की दूरी निरंतर जरूरी, मास्क जरूरी, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। मंच पे पालन नहीं हो रहा है? हाँ पालन हो रहा है, मंच पे पालन नहीं हो रहा। हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने वाले ऐसे प्रदेश के विकास पुरुष माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का जौनपुर की ऐतिहासिक धरती पर स्वागत है। मैं आपके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, मुझे ये भी पता है, मैं आपके बीच बताना चाहता हूँ कि जब किसी शादी और ब्याह में जाते थे, तिलक समारोह में जाते थे, बारातों में जाते थे, तो टेंट की तमुआ उड़ा दिया करते थे वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अपने पिता। और मंच पे बैठे सभी सम्मानित गण, हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी मल्हनी के देवतुल कार्यकर्ता भाइयों बहनों मित्रों, ये चुनाव मल्हनी का